हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे चैनल पे आपको ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड सारी वीडियोज मिलती रहती है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरा पेज है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंगल रोड पे कार को कैसे कंट्रोल करना है, टर्निंग पॉइंट्स पे कब हमें क्लच लेना होता है, कब हमें गियर डाउन करना होता है, कब हमें ब्रेक लेना होता है, टर्निंग पे हमें कौन से गियर में कार को टर्न करना होता है। सिंगल रोड की मैं बात कर रहा हूँ, डिवाइडर रोड पे सामने से खतरा नहीं रहता, लेकिन जो सिंगल रोड होता है सिंगल रोड पे सामने से भी खतरा होता है। अगर हम जरा सा भी लापरवाही करते हैं या ध्यान नहीं देते तो सामने वाला हमारी गाड़ी को भिड़ा देता है, तो इसलिए हमें सिंगल रोड पे बहुत अलर्ट होके चलना पड़ता है। तो सिंगल रोड पे सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही तो हमें पास कब देना है, कितना पहले हमें उसको हॉर्न देना है, कितना पहले सिग्नल देना है, कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है तो टर्निंग पे हमें राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना है या ब्रेक दबाना भी है, थर्ड गियर में चल रहे हैं तो क्या थर्ड गियर में कार को टर्न करना सही रहेगा या हमें गियर डाउन करना पड़ेगा, गियर डाउन करना है तो हमें कब ब्रेक लेना है, कब क्लच लेना है, ये सारी जानकारी आज मैं दूंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों मेरे पास जो कार है वो मारुति की ऑल्टो है, पावर स्टीयरिंग, LXI गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी। तो दोस्तों पहले तो कर लेते हैं इंजन को ऑन। अभी मैंने इंजन को ऑन कर लिया है और राइट वाला ORBM मैंने सेट कर लिया है। मेरी डायरेक्शन के हिसाब से मुझे बैक साइड पूरा दिख रहा है, लेफ्ट भी दिख रहा है और लुकिंग ग्लास भी दिख रहा है। अब दोस्तों मैं डालता हूँ फर्स्ट गियर और राइट वाला पैर मेरा एक्सेलेटर पे है और लेफ्ट वाला क्लच पे। थोड़ा सा मैंने क्लच को रिलीज किया और राइट का दे दिया सिग्नल मैंने धीरे से यहाँ पे, और मैंने अपने राइट वाले ORBM को देखते हुए गाड़ी को धीरे से बढ़ा लिया। अब मैंने धीरे से क्लच को रिलीज किया है और वापस धीरे से मैंने गाड़ी को स्पीड दी है और वापस क्लच दबा के सेकेंड गियर कर दिया। यहाँ पे सेकेंड गियर की जो स्पीड होती है वो होती 20-30 और फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो होती 10-20। तो अभी देखिए ब्लाइंड टर्न आ रहा है, ब्लाइंड टर्न में मैंने दे दिया पहले लॉन्ग हॉर्न, अब मैंने लेफ्ट का दे दिया यहाँ पे सिग्नल, ताकि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही तो वो अलर्ट हो जाए। और गाड़ी जो मेरी है वो अभी 20 की स्पीड में, क्योंकि टर्निंग के टाइम 20 माइनस होनी चाहिए ना कि 20 प्लस। अब मैंने लेफ्ट वाला पैर रखा है क्लच पे, राइट वाला ब्रेक पे और मैंने फुल क्लच दबा के इसको कर लिया फर्स्ट गियर में, क्योंकि फर्स्ट गियर में अगर गाड़ी को मैं टर्न कर रहा हूँ, देखो गाड़ी मेरी जीरो की स्पीड में आ गई, जीरो की स्पीड में गाड़ी बंद नहीं हुई। अगर ये होती सेकंड गियर में ना तो इंजन बुझ जाता, अगर सेकंड गियर में मैं जीरो की स्पीड में इसको टर्न करता तो इंजन ऑटोमेटिकली अपने आप बुझ जाता, क्योंकि सेकंड गियर में गाड़ी को रोक के नहीं बढ़ाया जा सकता है। अभी गाड़ी वापस फर्स्ट गियर में आ गई, पहले मैंने हॉर्न दिया, हल्का सा स्पीड मेंटेन किया, राइट वाला पैर ब्रेक पे लाया, वापस सेकंड गियर कर दिया। सेकंड गियर की जो स्पीड होती वो होती 20-30। अभी मेरे सामने जा रहा है ई रिक्शा, अब उसको मुझे अलर्ट करना, तो मैंने पहले उसको लॉन्ग हॉर्न दिया और धीरे से मैंने लेफ्ट वाले एरिया को देखते हुए और उसको ओवरटेक कर लिया। अभी मेरी गाड़ी में फ्लैग रॉड लगा, फ्लैग रॉड और जो लेफ्ट वाला ORBM है, फ्लैग रॉड से मुझे फ्रंट का जजमेंट मिलता है और लेफ्ट वाले ORBM से लेफ्ट साइड का पूरा जजमेंट मिलता है कि मेरे लेफ्ट में कितना स्पेस बचा हुआ है, मेरे लेफ्ट में कौन सी गाड़ी आ रही है। अभी देखो यहाँ पे चौराहा और थोड़ा सा रास्ता भी खराब है, मैंने राइट का जाना है, राइट का सिग्नल दिया और मैंने पूरा क्लच दबा के इसको कर लिया दोस्तों फर्स्ट गियर में। मेरा राइट वाला पैर ब्रेक पे है, अब हल्का सा मुझे एक्सेलेटर लेना है क्योंकि फर्स्ट गियर में गाड़ी यहाँ पे निकालनी है। सामने खड़ी है 300 SUV और अब मैं थोड़ा पहले गियर में गाड़ी को निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गड्ढे बहुत बड़े बड़े बारिश की वजह से, और 2 दिन से बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, तो रोडों पर पानी बहुत बुरी तरीके से भरा हुआ है। अभी मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, वापस क्लच दबा के सेकंड गियर कर लिया, सामने से ई रिक्शा आ रहा था मैंने उसको पासिंग डिपर दिया, वो रुक गया। 2-3 बार मैंने उसको पासिंग डिपर दिया जिससे कि वो अलर्ट हो गया, उसको मैंने इशारा किया कि भाई कोऑपरेट करो, मुझे भी निकलने दो। सामने से आ रही वैगनार, मैंने उसको पासिंग डिपर दे दिया 100 मीटर पहले, अब वो अलर्ट हो गया। अब होता है क्या है ना दोस्तों, जैसे ये सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे क्या है कि सामने वाला अगर स्पीड से आ रहा है तो बीच रोड पे आके निकलेगा, अगर डिवाइडर रोड होता तो हमें डरने की जरूरत नहीं, सामने से हमें कोई खतरा नहीं रहता है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान दीजिएगा आप सिंगल रोड पे चलते वक्त, अगर सिंगल रोड पे आप चल रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो गाड़ी चल रही है वो हमेशा लेफ्ट वाली लाइन में चलनी चाहिए। देखो सामने से स्कॉर्पियो आई, मैंने उसको पासिंग डिपर दे दिया। पासिंग डिपर कोई जरूरी नहीं है अगर आप विग्नर हो, जैसे कि बहुत सारे लोग हॉर्न देते हैं, तो हॉर्न होता है मोस्टली जैसे इधर तो कोई बंदा जा रहा है कार लेके बाइक लेके, उसको अलर्ट करना है आपको या उसको ओवरटेक करना है, तो आप ऐसे करके हॉर्न उसको दे सकते हो। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है, देखो स्कूटी आ रही है, उसकी LED जल रही है,
उसकी लाइट ऑन है क्या, उसने ऑन किया नहीं। 2018 के बाद जितनी गाड़ियां लॉन्च हो रही, टू व्हीलर फोर व्हीलर वगैरह, इनकी सारी गाड़ियों की लाइट ऑटोमेटिकली डे में भी ऑन रहती है सेफ्टी पर्पस के लिए, ताकि सामने वाले का अट्रैक्शन आपकी तरफ आए। मैंने देखो पासिंग डिपर दिया बिटारा ब्रीजा को और मैंने गाड़ी को कर लिया धीमा। अब मैंने कर लिया पहले गियर में क्योंकि मेरे सामने खड़ा ई रिक्शा, अब ई रिक्शे वाले को मैंने हॉर्न देके अलर्ट कर दिया। अब बंदा रुका हुआ है, मैंने भी गाड़ी रोक ली। अब मैंने पहले गियर में गाड़ी को मैंने कर दिया यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी मैंने यहाँ पे रोक दी थी। रुकने के बाद दोस्तों आप फर्स्ट गियर में अगर कार को मूव करोगे तो शायद कार आपकी बंद नहीं होगी और बहुत ही स्मूथली गाड़ी आपकी मूव कर जाएगी। अभी मैं फर्स्ट गियर में हूँ यहाँ पे क्योंकि रास्ता बहुत खराब है, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए रोड पे। अब रास्ता क्लियर हो गया, मैंने हल्का सा एक्सलेट लिया, राइट वाला पैर ब्रेक पे लिया है, सेकंड गियर की स्पीड 20 लेके आ गया था, पासिंग डिपर दी थी, सामने से एस क्रॉस आ रही थी, वापस मैंने क्लच दबा के हल्का ब्रेक लिया, बट गियर चेंज नहीं किया क्योंकि गाड़ी में स्पीड 20 की है, इसलिए मैंने गियर डाउन नहीं किया। लेफ्ट से ट्रैफिक आ सकता है इसलिए मैंने पहले हॉर्न देके अलर्ट कर दिया कि अगर लेफ्ट से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है तो उसके लिए हम अलर्ट हो जाएं पहले से। अभी मुझे थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करना है, मैं चल रहा हूँ सेकंड गियर में, तो सेकंड गियर की जो स्पीड होती है दोस्तों 20 to 30। अब मुझे डालना है थर्ड गियर, तो थर्ड गियर के लिए मुझे प्लानिंग करनी है। मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई और राइट वाला पैर ब्रेक पे क्लच दबा के मिडल में ये कर दिया मैंने थर्ड गियर। जो मेरा पैर है ना आप देख रहे क्लच वाला पॉइंट, ये बहुत ही एकदम टच है, ये ज्यादा पैर ऊपर नहीं है। कुछ लोगों का पैर ऊपर खिसक जाता है, पैरों का मूवमेंट आप बस देखते रहिएगा कि किस तरीके से मैं कब क्लच ले रहा हूँ कब ब्रेक ले रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखेंगे तो मेरे सामने जा रहा है ई रिक्शा, अब मैं इसको कैसे अलर्ट करूंगा। सामने से टेम्पो आ रहा है, मैंने उसको एक दो बार पासिंग डिपर दे दिया। अब मेरा राइट वाला पैर ब्रेक पे, अब मुझे इसको ओवरटेक करना है लेकिन मैं अभी ओवरटेक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सामने से ई रिक्शा भी आ रहा है, वैन भी आ रही है। तो ऐसे में क्या है ना, हमें बचना भी और बचाना भी है, तो ओवरटेक तभी करना जब स्पेस। अभी मैंने इसको हॉर्न दिया और ओवरटेक कर लिया स्पीड बढ़ा के। अब मेरे सामने ई रिक्शा जा रहा है, मुझे इसको भी ओवरटेक करना, तो मैंने पहले इसको देने का मतलब ये है कि सामने वाला अलर्ट हो जाए। अब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, मैंने बिना क्लच के हल्का सा ब्रेक लिया क्योंकि गाड़ी मेरी 30 की स्पीड में चल रही थी, तो मैंने बिना क्लच के ब्रेक 10 की स्पीड डाउन कर दी, 10 की स्पीड डाउन कर दी बिना क्लच के, क्योंकि गाड़ी 30 की स्पीड पे थी तो मैं बिना क्लच की थोड़ी सी स्पीड डाउन कर सकता हूँ। लेफ्ट में मेरे बाइक खड़ी थी और मैंने एकदम से अचानक राइट काटा क्योंकि स्पेस नहीं था। अगर मैं नहीं टर्न करता स्टीयरिंग तो शायद मेरी गाड़ी का अगला जो फ्रंट वाला हेडलाइट है वो टकरा जाता बाइक में। अब यहाँ पे देखो काफी बड़ा खड्डा है, मुझे करना है इसको डायरेक्ट फर्स्ट गियर में। मैंने डायरेक्ट थर्ड गियर से इसको कर लिया फर्स्ट गियर में और हल्का सा एक्सेलेटर लिया, मैंने हाफ क्लच पे हल्का एक्सेलेटर लिया। अभी धीरे से मैंने गाड़ी को मूव कर लिया, फिर वापस मैंने क्लच दबा के सेकंड गियर लिया क्योंकि फर्स्ट गियर होता मोस्टली गाड़ी को मूव करने के लिए ना कि चलाने के लिए। अब सामने मेरे इग्निस जा रही है और वो रुक रही है, उसने ब्रेक पे पैर रखा इसलिए उसकी बैक लाइट ऑन है। मैंने भी क्लच और ब्रेक पे पैर रख रखा और मैंने फुल क्लच दबा लिया। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो न्यू बिगिनर होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है, वो हमेशा ब्रेक लगाने लगते हैं, उनको जरा सा भी गाड़ी धीमा करना तो ब्रेक लगाने लगते हैं, लेकिन वो गलत है। अगर आपको हल्का फुल्का गाड़ी को धीमा करना तो हर जगह ब्रेक की जरूरत नहीं होती बट क्लच की जरूरत होती है। जैसे अभी देखो यहाँ पे स्पेस कम है, मैंने पूरा क्लच दबाया और राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे है, मैंने ब्रेक दबाया नहीं है बस पैर है, गाड़ी अपने आप स्लो हो गई। देख रहे हैं मैंने ब्रेक 1% भी नहीं लिया है, गाड़ी स्लो हो गई, मैंने इसको फर्स्ट गियर में कर लिया। तो हर जगह हमें ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सडन आपको रोकना है तो पूरा क्लच देन ब्रेक। अगर आप 10-20 मीटर पहले गाड़ी को डाउन करना चाहते हैं, स्पीड कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्लच से गाड़ी को धीमा कर सकते हैं, क्लच से गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी और क्लच से गाड़ी का इंजन फ्री हो जाएगा, लेकिन वो 10-20 मीटर बिफोर। अगर सडन आप 1 मीटर में गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा क्लच देन ब्रेक, वहां पे फिर आप अगर खाली क्लच से गाड़ी रोकेंगे तो गाड़ी आपकी टकरा जाएगी, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे मुझे पूरी गाड़ी रोकनी तो मैंने पूरा क्लच दबाया हल्का सा ब्रेक ले लिया, अब मैंने ब्रेक को रिलीज कर दिया हाफ क्लच पे गाड़ी को वापस। जब भी गाड़ी को आप स्लो करना चाहते हो तो पहले पूरा क्लच दबाओ फिर हाफ क्लच रिलीज कर दो, गाड़ी को धीरे से गियर में एक्टिव कर लो, क्योंकि फुल क्लच दबाने के बाद ही जब आप थोड़ा सा क्लच छोड़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपकी गाड़ी कितना गियर में एक्टिव हो पाई है। अब स्टार्टिंग में आपने पूरा क्लच रिलीज कर रखा है, फिर आप अगर क्लच को वापस दबाओगे तो आइडिया नहीं लग पा रहा। मैंने अब लॉन्ग हॉर्न पुश कर दिया क्योंकि मेरे लेफ्ट में ट्रैक्टर जा रहा था, मैंने लेफ्ट वाले ओआरबी में अभी मैंने नजर डाली तो मुझे क्लियर हो गया कि मेरी गाड़ी से और लेफ्ट में जो ट्रैक्टर था उसके बीच में जब मैंने उसको ओवरटेक किया है तो करीब 1.5 फीट का मार्जिन था। अब यहाँ पे मैंने पूरा क्लच लेके ब्रेक ले लिया था क्योंकि गाड़ी मेरी थी सेकंड गियर में और सामने से जो टेम्पो आ रहा था उसने गाड़ी को स्लो नहीं किया था।
तो ये छोटी छोटी जो बारीकियां दोस्तों, अगर आप इन पे फोकस करते हैं तो शायद आप बहुत जल्दी बहुत कम समय में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेंगे और एक बहुत अच्छे चालक बन सकते हैं। अभी सामने देखो मेरे एक टेम्पो खड़ा हुआ है और मैंने उसको पासिंग पेपर एक से दो बार दिया, अब वो गाड़ी वहां पे रुकी हुई है। मैंने लॉन्ग हॉर्न पुश किया, सामने से बाइक आ रही, बाइक वाले को मैंने एकदम से पासिंग पेपर दे के अलर्ट कर दिया। अब यहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा है बारिश की वजह से, मैंने कर लिया इसको फर्स्ट गियर में और धीरे से मैंने गाड़ी को बढ़ा लिया है। अब थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ाई यहाँ पे, अब वापस राइट वाला पैर ब्रेक पे क्लच दबा के मैंने कर दिया सेकंड गियर। अभी थोड़ी सी स्पीड मैंने मेंटेन करी है, राइट वाला पैर जो मेरा फिर ब्रेक पे आ गया क्योंकि मेरे सामने इग्निस जा रही है। अब स्पेस बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं उसको ओवरटेक कर सकूं, मैंने एक बार पासिंग डिपर दिया उसको। आप देखोगे पासिंग डिपर जब देते तो अगली गाड़ी की उस पे मिरर पे और साइड मिरर पे लाइट पड़ती है जिससे कि सामने वाला अलर्ट हो जाता है। अब मुझे आगे से जाना राइट, मैंने राइट का सिग्नल दे दिया और गाड़ी की स्पीड 40 थी, मैंने ब्रेक पे पैर रखा, स्पीड अपने आप ऑटोमेटिक डाउन हो रही है, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया। अब गाड़ी की स्पीड आ गई है 20, गाड़ी मेरी है सेकंड गियर में, 20 की स्पीड आ गई, मैंने हल्का सा यहाँ पे एक्सेलेटर ले लिया हल्का सा। अब गाड़ी जो है मेरी सेकंड गियर में और 20 की स्पीड। तो जब भी दोस्तों आपको गाड़ी को स्लो करना, आप 20 मीटर 50 मीटर बिफोर प्लान करें। अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं, नए ड्राइवर क्या करते हैं, वो जब गाड़ी को रोकना होता है जब लास्ट मोमेंट पे फिर ब्रेक दबा देते हैं, वहां पे इंजन बंद हो जाता है, इंजन बुझ जाता है। यही गलती नहीं करना, हमें 10-20-50 मीटर पहले बिफोर प्लान करना है। अगर आप फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा पहले से अगर आप क्लच ले लेंगे, ब्रेक ले लेंगे तो गाड़ी का इंजन कभी बंद नहीं होगा। अभी मैंने यहाँ पे सेकंड गियर कर दिया, राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे है, लेफ्ट वाला क्लच पे। अब मैंने फिर हल्की सी स्पीड मेंटेन करी यहाँ से, गाड़ी मेरी फर्स्ट गियर में चल रही थी, फर्स्ट गियर में बार बार गाड़ी बबल कर रही है। अब मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई है यहाँ पे, हल्का सा रेस लिया है और वापस मैंने डाल दिया थर्ड गियर। थर्ड गियर की जो स्पीड है वो 20-30 होती है, जो थर्ड गियर की स्पीड है वो 30-40 होती है और फर्स्ट गियर की 10-20, सेकंड की 20-30। अभी मैंने गाड़ी को धीरे से बढ़ा दिया है थोड़ा सा स्पीड लेके मैंने, और आगे आ रहा है चौराहा। चौराहे पे कार को कैसे कंट्रोल करना है, हमें राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना और ट्रैफिक आगे थोड़ा सा रुक रहा है तो मैंने क्लच दबा के सेकंड गियर कर दिया यहाँ पे। अभी मैंने फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली, रास्ता हो गया क्लियर। अब देख रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है तो यहाँ पे मैं गाड़ी में स्पीड थोड़ी सी बढ़ा सकता हूँ। मैंने हल्की सी स्पीड बढ़ाई और यहाँ पे थर्ड गियर मैंने डाल दिया। अब थर्ड गियर की जो स्पीड होती वो होती 30-40। मेरे सामने जा रही है इग्निस, उसने जब ब्रेक पे पैर रखा तो उसकी बैकलाइट जो है वो ऑन हो जा रही है, उससे हमें ये पता चलता है कि सामने जो गाड़ी चल रही है वो कब ब्रेक लगा रहा है। मैंने पासिंग डिपर एक बार दिया उसको, क्योंकि सिंगल रोड है, देखो सिंगल रोड पे क्या सामने से वैगनार आ रही, तो पासिंग डिपर से ना सामने वाला अलर्ट हो जाता है, आपको हॉर्न कम बजाना पड़ेगा, हॉर्न वैसे भी गाली होती है। तो जब भी हम सामने वाले के लिए अलर्ट करते हैं, उसको हम हटाना चाहते हैं या कुछ भी उसको इंडिकेशन देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पासिंग डिपर दे देते हैं, तो पासिंग डिपर सीधा उसकी आंखों में हाई बीम लाइट जल जाती है। जब हाई बीम लाइट जलती है तो सामने वाला एकदम से अलर्ट हो जाता है, क्योंकि हॉर्न इतना ज़्यादा सीरियस बंदा हॉर्न से नहीं होता है, लेकिन जब सामने फेस पे लाइट पड़ती है तो एकदम अलर्ट हो जाता है। अभी गाड़ी मेरी चल रही 40+ और गाड़ी मेरी थर्ड गियर में, मैंने ब्रेक लेके गाड़ी की स्पीड धीमा करा। अब मैंने यहाँ पे पूरा क्लच दबा के ब्रेक लेके गाड़ी को डायरेक्ट फर्स्ट गियर में कर दिया थर्ड गियर से, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, दो स्पीड ब्रेकर एक साथ थे। अब मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई, वापस क्लच दबा के सेकंड गियर कर दिया और राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे, मैंने फिर ब्रेक लगाया, फिर वापस मैंने पूरा क्लच दबाया, इसको फिर वापस फर्स्ट गियर में कर दिया, क्योंकि स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे गाड़ी को बहुत स्लो निकालना है। हल्का सा मैंने फिर वापस एक्सेलेटर लिया, गाड़ी को थोड़ा स्पीड दी, वापस एक्सेलेटर से पैर हटाया, सेकंड गियर कर दिया। बट मेरी नज़र जो लेफ्ट में बार बार, मैं लेफ्ट वाले ORBM को हर एक एक सेकंड में मैं देख रहा हूँ, मेरी जो नज़र गर्दन नहीं घूम रही। बहुत सारे जो न्यू बिगिनर होते हैं वो ऐसे देखते हैं तो सामने से उनकी नज़र हट जाती है, इधर से नज़र, हमें नज़र एकदम सामने रख, हमेशा एक नज़र हमें सामने बना के रखनी है। मैंने सामने अपनी नज़र बना रखी और हल्की सी आंखों की पुतलियों को मैं लेफ्ट में कर रहा हूँ और मुझे लेफ्ट का और राइट का अंदाज़ा, इसको देखने के लिए आपको आदत बनानी पड़ेगी। आप अगर न्यू बिगिनर हैं तो आपको इसकी ये आदत बनानी पड़ेगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, फिर मिलेंगे। जबरदस्त ट्रैफिक है यहाँ पे, गाड़ी भी खड़ी करने की जगह नहीं है दोस्तों, तो मैं अभी गाड़ी को यहाँ लगाता हूँ पार्किंग पे थोड़ा सा। जय हिंद, वंदे मातरम।